अष्टमवर्ग के मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को नवीन सर की तरफ से सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में संस्कृत वेदिका से पाठ एक वंदे मातरम शीर्षक का अध्ययन किया था। आइए मैं आज आपको पाठ दो सहसा विदधीत न क्रियाम शीर्षक का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आपने पिछले कक्षा में सभी लकारों का अध्ययन कर चुका है, इसलिए अब आपको लकार संबंधित कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसके सस्वर वाचन और इसके हिंदी अर्थ को देखेंगे। शीर्षक का नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम, जिसका हिंदी अर्थ है किसी कार्य को बिना विचारे अनायास यानी अचानक शीघ्रता से जल्दी से नहीं करना चाहिए। पाठ को शुरू करने से पहले आप अपने पास उत्तर पुस्तिका लेखनी आदि लेकर बैठे, ताकि मैंने द्वारा बताया गया हिंदी अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर सके, जिससे आपको यह कहानी का हिंदी अर्थ जानने में सुविधा हो, आसानी हो। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है प्रिय वादिनी। प्रिय वादिनी शब्द का अर्थ है प्रिय बोलने वाली, जो मधुर बोलती है, जो प्रिय बोलती है, उसे हम प्रिय वादिनी कहते हैं। दूसरा शब्द है भार्या। भार्या शब्द का अर्थ होता है पत्नी। प्रिय तरह बहुत प्रिय। नकुलम। नकुलम शब्द का अर्थ होता है नेबला। अपाल्यताम पाला, लालन पालन करना, जिसको हम कहते हैं पालन पोषण, उसे अपाल्यताम, यहाँ लंगकार भूतकाल क्रिया है। पुत्रवत यानी बेटे के समान। स्नेहति अस्मा प्यार करती थी। स्नार्थम, स्नान शब्द का अर्थ होता है नहाना, तो स्नार्थम यानी स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। विप्रह, विप्रह शब्द का अर्थ हो गया ब्राह्मण। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी शब्द का अर्थ हो गया सेठ, यानी जो धनी व्यक्ति होते हैं उसे सेठ कहते हैं। अपशंतम पहुँचा, खंड सह टुकड़े। तो आइए अब हम इस कहानी को देखें। कहानी में कहा जा रहा है कस्मिंचित स्थाने देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण प्रतिवस्ती अस्म। पुनः देख ले पंक्ति इस बार। कस्मिंचित स्थाने देव शर्मा नाम एक ब्राह्मण प्रतिवस्ती अस्म। किसी स्थान पर देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था, रहता था। तस्य एका प्रिय वादिनी भार्या आसीत, उसकी एक प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी थी। तयो एक प्राणियों अभी अपि प्रिय तरह पुत्र आसीत, उन दोनों के एक प्राणों से भी प्रिय पुत्र था। ब्राह्मण ब्राह्मणी च स्वकीय गृहे एकम नकुलमपि अपाल्यताम। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों अपने घर एक नेवले को पाल रखे थे। आगे चले। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थं नदीं गच्छन्ति स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अकथत् स्वामी इदानीं अहं नदीं गच्छामि। एक दिन ब्राह्मणी स्नान करने के लिए नदी जाते हुए अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं नदी जा रही हूँ, त्वया पुत्र रक्षार्थं सावधानः भवितव्यम् एवं उक्ता सा नदीम अगच्छत। आप अपने पुत्र को सावधानी से रक्षा करिएगा, उसे देखते रहिएगा। तदनंतरम विप्रह स्वपुत्र रक्षार्थं दतावधाम संलग्नो अभवत्। उसके बाद वह ब्राह्मण अपने पुत्र की रक्षा में संलग्न हो गया, अपने पुत्र की रक्षा में लग गया। आगे बच्चों। अत्रांतरे एक श्रेष्ठी ब्राह्मण समीपस्य आगत्य श्राद्धार्थं गृहं चलितुं प्रार्थितवान्। अत्रांतरे उसके कुछ देर बाद ही एक मतलब एक श्रेष्ठी यानी सेठ समीपं किसके समीप, ब्राह्मण के समीप आगत्य आकर श्राद्धार्थं श्राद्ध कर्म जो होता है उसे श्राद्धार्थं गृहं चलितुं प्रार्थितवान्। उसके कुछ देर बाद ही एक सेठ आया और ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे घर श्राद्ध कर्म करने के लिए चलिए। ब्राह्मणो अचिन्त्यत् नकुलस्य अस्तु गृहे
विदति के ब्राह्मण ने सोचा घर पर तो नेवला है ही, सह च पुत्रस्य रक्षार्थं शक्तः एतस्मिन् विषये कापि शंका नासीत्, और वह पुत्र की रक्षा कर लेगा इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। श्रेष्ठि महम धनम अपि दशमेव, सेठ हमें धन अवश्य ही देगा, अतः मया अवश्यमेव श्रेष्ठिनः गृहे स्नार्थम गंतमेव, इसलिए मुझे अवश्य ही सेठ के घर जाना चाहिए। ततः सपुत्रस्य रक्षार्थम नकुलम नियुज्य श्राद्धार्थम अगच्छत्। उसके बाद वह पुत्र की रक्षा के लिए नेवले को प्रयुक्त कर नेवले को बैठा कर और वह श्राद्ध कर्म कराने के लिए चला गया। ब्राह्मणे गतांतरे नकुलः बालक रक्षाए सावधान अवत, ब्राह्मण के जाने के बाद नेवला बालक की रक्षा के लिए सावधान हुआ, चौकन्ना हुआ। सह बालकस्य समीपम उपसर्पनतिमितं सर्पम अपश्यत, सह बालकस्य समीपम उपसर्प अंतमिकं सर्पम अपश्यत, उसने बालक के निकट एक सांप को देखा। कदाचित सर्पः बालकं न दशेदिति संकिता हृदया नकुलः सर्पं व्यापार तं खंडशः अकरोत्, कहीं यह सांप बालक को न डस ले, यह सांप कहीं बालक को न काट ले, ऐसा असंकित हृदय से वह नेवला उस सांप को अपने पैरों से और मुख के बल से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तदैव देव शर्मा श्रेष्ठिन गृहे श्राद्धं करित्वा सर्वानं धनं च गृहीत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। तदैव तभी देव शर्मा उस सेठ के घर श्राद्ध कर्म कराकर श्राद्ध का अनाज और धन लेकर घर आया। आगच्छन्तं स्वस्वामिनं देव शर्मणं दृष्ट्वा सह नकुलः गृहात् बहिरेव आगत्य विप्र चरणयो और लुठत, वह अपने घर आकर यानी कौन वह यहाँ ब्राह्मण यानी देव शर्मा अपने घर आकर देखता है कि वह नेवला उस ब्राह्मण के यानी उसके चरण के आसपास लुढ़क रहा है, खेल रहा है, लोट रहा है। ब्राह्मणः नकुलम रक्त विलिपितम मुख पादम विक्षया अचिन्त्यत अनेन नकुलेन प्राणो भी प्रियतरः मम पुत्रः व्यापादितः, ब्राह्मण ने उस नेवले के मुख की तरफ देखा, नेवले के मुख रक्त से यानी खून से रंगे हुए थे। उसने विचार किया कि यह नेवला मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र को मार दिया है, अहम अपि नकुलम जीवति न तज्जये, मैं भी नेवले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एवं विचारयन् सः ब्राह्मणम् एकं दृढं दण्डम् उत्थाय तेन दण्डेन नकुलं बधित, ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण ने एक मजबूत डंडा अपने हाथों में ले लिया और उस नेवले को पीट पीट कर मार दिया। तदनंतरम ब्राह्मणः गृहे प्रविशित, उसके बाद ब्राह्मण अपने घर गया, घर के अंदर गया। तत्र स्वपुत्रं सुरक्षितं च खण्डानि विक्ष्या चिन्त्यत, वहाँ अपने पुत्र को सुरक्षित सोया हुआ देखा और पुत्र के निकट ही एक विशाल सांप को मरे हुए टुकड़े टुकड़े पड़े हुए जमीन पर देखा। यत मया निष्कारणमेव नकुलः व्यापादितः, यह अकारण यानी बिना कारण के ही मेरे द्वारा नेवला मारा गया, यदि अद नकुलः मम पुत्रम न रक्षेत तरही अहम पुत्रहीन भवेम, अगर आज यह नेवला नहीं होता तो आज मैं पुत्रहीन हो गया होता, क्योंकि उस ब्राह्मण जो देव शर्मा था उसको एक ही पुत्र थे। इस कारण ब्राह्मण ने सोचा कि अगर आज नेवले ने सांप को न मारा होता तो आज मैं निसंतान हो गया होता, मैं पुत्रहीन हो गया होता। ये ब्राह्मण बहुविधम विलापम अकरोत, इस कारण नेवले ने
नेवले के मारे जाने के बाद उस ब्राह्मण ने बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया, लेकिन अब पश्चात का होता है जब चिड़िया चुग गए खेत। सत्यमेव उत्तम, सत्य ही कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणिम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। यानी अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली लक्ष्मी स्वयं उसका चुनाव कर लेती है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कोई भी कार्य शीघ्रता से, बेचैनी से या बिना जांचे पड़ताले नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें उसका पछतावा ही होता है। इसलिए कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात कभी भी बिना जांचे पड़ताले कुछ नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में आज इतना ही। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।